दोस्तों हम इस वीडियो में जार से जुड़ी बेसिक जानकारी देंगे। कई बार क्या होता है, जब हम मिक्सी को जार को लगाकर ऑन करते हैं तो जार से काफ़ी आवाज़ आती है, साउंड आती है, लेकिन जार में रखी कुछ सामान है वो पीसती नहीं है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपके मिक्सी में तो चलिए मैं गाइड करता हूँ कि आपकी मिक्सी की जार में क्या प्रॉब्लम होगा। तो सिंपल, आप कैसे पहचान सकते हैं इसकी प्रॉब्लम को, हम जार को यहाँ पर ऊपर वाली कैप को पहले खोलेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये जो पीछे चक्री है उसको हम हाथ से पकड़ते हैं और इस तरफ हम देखते हैं ये जो जार है इसकी ब्लेड, इसको हम इस तरह से हिला कर देखते हैं तो ये लूज तो नहीं हो गई है। और दूसरा, हम इसको इस तरह से घुमा कर देखते हैं, अगर ये घूमने लगे, ये देखिए हम इधर नीचे पकड़ कर रखे हैं और यहाँ पर ये घूम रही है, इसका मतलब ये फ्री हो गया है। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप कैसे जार को ठीक कर सकेंगे, चलिए यहाँ पर अब मैं आपको गाइड करता हूँ। तो सिंपल क्या करें, यहाँ पर पीछे वाली ये जो चक्री है इसको हमें खोलना है, तो इस तरह से ये चक्री जो है खुल जाएगी। ये वाइसर को वैसे ही रखनी है क्योंकि वापस हमें लगाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्लेड है, ब्लेड के पास ये जो बोल्ट लगी है, इसको हम पेंचिस की मदद से बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बोल्ट है ये बाहर आ जाएगी, अब यहाँ पे ब्लेड भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि ब्लेड में ये जो खांचा बनी है शायद फैल कर फ्री तो नहीं हो गया। दूसरी, यहाँ पर सॉफ्ट के पास ये जो खांचा है ये भी कई बार घिस जाती है, जिसके कारण यहाँ पर ब्लेड जो है बिल्कुल फ्री हो जाता है, ठीक से चलता नहीं है। तो सिंपल दोस्तों, आप क्या करें, अगर आपकी चीज़ ख़राब हो गई तो सिंपल को ले जाकर मार्केट से सेम चीज़ ख़रीदनी है और इसे लगाना भी बिल्कुल आसान है। सेम इसी तरह से इसके ऊपर यहाँ पर फिट करनी है, ये देखिए, तो ये जो खांचा है बिल्कुल इसके बराबर में आ जाएगी। और उसके बाद ये जो नट है इसको सिंपल तरीके से इस तरह से लगाएं, तो ये जो नट है इसको सिंपल तरीके से इस तरह से हम लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसको हमें टाइट करनी है ताकि ये फिर से खुले नहीं। उसके बाद ये जो वाइसर हमने एक ऊपर की साइड से निकाल रखा है उसको यहाँ पे लगाएंगे। अब सेम मिक्सी के अंदर ये जो जार है उसके अंदर यहाँ पर इसको इसी तरह से लगा देते हैं। अब इसके पीछे वाला एक वाइसर हम निकाले थे उसको भी यहाँ पर लगाएंगे और ये जो इसकी कपलर है उसको भी यहाँ पे लगाते हैं। मिक्सी की जार को बहुत सिंपल तरीके से ठीक कर सकते हैं। हमारी वीडियो से आपकी अगर हेल्प होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम घरेलू उपकरण मशीन को बनाने के बारे में नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं, ये आपकी काफ़ी हेल्प होगी। दोस्तों हम फिर मिलते हैं मिक्सी जार से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।